दोस्तों, सड़क के किनारे क्यों लगे होते हैं मिल पत्थर और इन पत्थर का रंग अलग अलग क्यों होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब आप सड़क मार्ग से सफर करते हैं तो आपने सड़क किनारे किलोमीटर बताने वाले पत्थर तो देखे ही होंगे, जिन्हें मील पत्थर भी कहा जाता है। ये पत्थर मार्गों में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मार्ग पर चलने वाले यात्री एक शहर से दूसरे शहर के बीच की सही दूरी जान सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, यह पत्थर अलग अलग रंगों के होते हैं। इन पत्थरों में सफेद रंग के साथ पीले, हरे, नीले, काले, लाल रंग की पट्टी होती है। आइए जानते हैं कि अलग अलग रंगों के इन पत्थरों से क्या संकेत मिलता है। पीले रंग का पत्थर, सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त जब किलोमीटर बताने वाले पत्थर का रंग पीला हो तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। इन रंगों का इस्तेमाल सिर्फ नेशनल हाईवे वाले पत्थरों पर ही किया जाता है। इन सड़कों की निर्माण और रखरखाव की जिम्मेवारी केंद्र की होती है। हरे रंग का पत्थर, जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे तो आप नेशनल हाईवे से निकलकर स्टेट हाईवे पर पहुंच चुके हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। इन सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। नीले या काले रंग का पत्थर, अगर आपको सड़क किनारे नीले या काले रंग का पत्थर दिखे तो आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। ये सड़क उस जिले के अधीन है, साथ ही वह सड़क आने वाले जिले के नियंत्रण में आती है। इस सड़क का रखरखाव भी उस शहर के प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। सफेद रंग का पत्थर, कई जगह पूरे सफेद रंग के मील पत्थर भी लगे होते हैं। इनका मतलब भी यही है कि आप किसी शहर की तरफ जा रहे हैं। इस सड़क का रखरखाव भी उस शहर के प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। नारंगी रंग का पत्थर, अगर आपको नारंगी रंग का मील का पत्थर नजर आ जाए तो आप किसी गांव या फिर गांव की सड़क पर हैं। यह सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई होती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।